नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजयवर्धन पांडे है। मैं गोरखनाथ मंदिर में आया हूँ और देखिए यहाँ पर भारतवर्ष से संबंधित सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। जैसे देश की मान विभूतियाँ हैं, सामने हमारी भारत माता की भी एक चित्र, एक मूर्ति बनी हुई है। इसी तरह भारतवर्ष में जो भी राजा हुए हैं, जो भी पुजारी हुए हैं, जो भी महंत हुए हैं, जो भी बड़े बड़े राजा, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश को आगे बढ़ाने योगदान दिया है, उन सभी का वर्णन यहाँ पर मूर्ति के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी, योगी भर्तृहरिनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी, प्रवणानंद जी, भगवान ऋषभदेव जी, आचार्य श्रीचंद जी, विश्वकर्मा भगवान, झूलेलाल जी, चित्रगुप्त जी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये देखिए मुगलों महाराज जी। और ये सारे जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये इसलिए हैं कि समाज में जो विसंगतियाँ हैं, चाहे हम लोग जो गुलामी की जंजीरों से जुकड़े हुए हैं, उनसे दूरी रहे। हम देखें कि भारत की इतनी महान विभूतियाँ हैं। देखिए आचार्य बनर्जी जी, देवल जी, मीराबाई जी, संत रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव भगवान, रामदास जी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, सुखदेव महाराज, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, भगवान महावीर जी, भगवान बुद्ध जी, जो भी सनातन की परंपराओं को मानने वाले हैं या भारतवर्ष की संस्कृति से निकले हुए हैं, उन सभी गुरुओं, महान संस्कारों के जो द्योतक हैं, समाज में जो अच्छा कार्य करते हैं, उन सभी की यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो हमको सनातन परंपरा का हमेशा एक निर्वहन करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में भी रहना चाहिए, ताकि हम समाज में अच्छी चीज़ों का विचार कर सकें। और आखिर में जो जो योगी लोग हैं, उन सभी को मेरा सशस्त्र नमन है, प्रणाम करता हूँ। कपिल मुनि जी, मुख्यमंत्री भगवान, माता अनसुईया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।